हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान उद्योगपति श्री रतन टाटा। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में, जिनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हर कोई उनके जीवन से जुड़ी कहानी को अपने शब्दों में सामने उतारना चाहता है। तो इसके जरिए यह बताना चाहता हूँ कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल उद्योगपति बने। आज लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। ऊंचाइयों को छूने वाले उद्योगपति श्री रतन टाटा आखिर कैसे हुआ, लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध और इतने सफल उद्योगपति। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ अपने पूरे विश्व में पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5-स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल हैं। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है, टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए हैं और आपको बता दें कि 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया है। आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि सन 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सब का इलाज टाटा ने ही कराया था। 26/11 के होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए भी टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनकी मुआवजे के तौर पर मदद की थी। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाए, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ शामिल था, इसलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा उतने दिन टाटा ने अपने कर्मचारियों को वेतन दिया था। और अब आप सुनिए श्री रतन टाटा के कुछ विचार जो एक सफल उद्योगपति को अपनी जिंदगी में अपनाने चाहिए। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर आप में बदलाव लाने की इच्छा हो तो आप बदलाव ला सकते हैं। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। अपना जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसकी आदत बना लो। जीवन में अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है हम जीवित नहीं। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थर उपयोग अपना महल बनाने में कर लो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूं, वह मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। किसी भी काम के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव हमारी असफलता का कारण बनता है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। जिंदगी के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, और वहां पर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। वहां आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, सब कुछ आपको खुद करना होता है। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने निरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। दोस्तों, तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका